नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। यदि आप भी स्टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। पेडागोजी के क्वेश्चन हैं जो कि 75 नंबर की आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। टेट एग्जाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी हेल्प करेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और बच्चों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। आई होप सो पिछली वीडियोस तक आपने और क्वेश्चन हमारे क्लियर कर लिए होंगे। ये नेक्स्ट वीडियो है जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बिना देर किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ है वो शिक्षक को योग्य बनाती है, किसके योग्य? ऑप्शन है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण क्या है, मतलब सोशलाइजेशन क्या है, व्हाट इज सोशलाइजेशन? ऑप्शन ए, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, मतलब समाज के अंतर्गत जो चल रहा है हमें भी उसके अनुकूल हो जाना चाहिए, ना कि उनके विपरीत जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए, संदर्भगत, अव्ययभूत, सामाजिक या अनुभाविक। तो निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित मतलब त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है बुद्धि के। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका सामाजिक, मतलब किसके अतिरिक्त, तो किसके अतिरिक्त, सामाजिक अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्नर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? बीएड डीएड वालों के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्नर का बुद्धि का सिद्धांत जो है वो किस पर बल देता है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ऑप्शन बी, सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण योग्यताएं हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत इसी पर ज़्यादा बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक था, फा और चा ध्वनियाँ हैं, ये क्या ध्वनियाँ हैं? स्वनिम है, रूपिम है, लेखिम है, या शब्द में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड डीएड के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एमपी टेट में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। था, फा और चा ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो ये ध्वनियाँ हैं स्वनिम, मतलब स्वयं से, जैसे था, फा और चा, ये ध्वनियाँ जैसे हम बोलते हैं ना, जिसमें ऊष्मा निकलती हो, था, फा, चा, तो ये ध्वनियाँ कैसी हैं आपकी? स्वनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। जेंडर मतलब लिंग भेद वाली जो बात होती है बच्चों में, जो मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ को अलग अलग समझा जाता है, इन दृष्टि से देखा जाता है। सो जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर से शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए, या फिर कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, मतलब उन्हें ये बॉन्डिंग नहीं लगना चाहिए कि तुम लड़की हो तो ये कार्य नहीं कर सकती, या तुम लड़के हो तो ये कार्य नहीं कर सकते, मतलब उन्हें इक्वल समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, ऑप्शन बी, व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम कराने के लिए, ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, ऑप्शन डी, ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? सो राइट आंसर हो जाएगा ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं, मतलब वो क्यों सीखना नहीं चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है शिक्षार्थियों को, मतलब जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो लर्नर हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार भूमिका निभा सकता है या सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, मतलब सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। बाल केंद्रित, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड पाठ्यचर्या, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का पालन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना या धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि आजकल वैसे भी करिकुलम किस बेस पर बनाए जा रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब चाइल्ड बच्चे को केंद्र बनाकर, क्योंकि शिक्षा किसको अर्जन करना है, बच्चे को ही करना है, तो सारा जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, वो बच्चे को ही सेंटर्ड करके बनाई जा रही है कि बच्चा कहाँ तक सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। सतत मतलब निरंतर, जो लगातार जो मूल्यांकन किया जाता है वो किस पर जोर दे रहा है, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। ऑप्शन बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करना। ऑप्शन सी, सीखने के लिए प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए। ऑप्शन डी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए, मतलब सीखने के लिए कौन कौन सी नई स्किल्स अप्लाई जाए, किस तरह से बच्चे को सिखाया जाए और हम खुद किस तरह से सीख सकते हैं, तो उसका भी अवलोकन करें, रिकॉर्ड करें और उसमें इम्प्रूवमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है। विद्यालय आधारित जो आकलन होता है, जो एवोल्यूशन होता है, वो क्या करता है, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है। ऑप्शन सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। सो राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ये विद्यालय का वातावरण होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा विद्यालय के अंतर्गत सीखता है, परिवेश में, प्रकृति से भी सीखता है और विद्यालय के अंतर्गत भी ये सारे वातावरण उसको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। किसके अतिरिक्त मतलब इसमें से क्या छोड़कर समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हो सकते हैं। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना या संभावित युक्तियों को खोजना। सो क्या हो सकता है इसमें, कि समस्या को छोटे हिस्सों में बांट देना, मतलब उसका विश्लेषण कर देना, छोटे छोटे भागों में बांटकर हम उस समस्या को छोटा करके देख सकते हैं और तुरंत उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो यही होता है कि समस्या को छोटे हिस्सों में बांटो, फिर उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की उपेक्षा मूर्त अनुभवों, मतलब अमूर्तता मतलब आजीवित और मूर्त मतलब होता है जीवित, अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, कौन सी अवस्था है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। 7 से 12 वर्ष तक के बालकों की, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक के बालकों की। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 से 12 वर्ष तक के बालकों की जो सोच होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। मानव विकास जो है, मनुष्य का जो विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट, किन दोनों योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए, अभिभावक एवं अध्यापक का। ऑप्शन बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। सो राइट आंसर हो जाएगा वंशक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। मानव का विकास वंशक्रम से भी होता है और वातावरण से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से प्याजे के अनुसार
बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या इनमें से कोई नहीं। सो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों, रिक्तियों मतलब खालीपन के प्रति सजगता विशेषता है, क्या है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सृजनशील बालकों की, क्योंकि सृजनशील बालक ही ये चीज़ें सोचते हैं कि वातावरण के दोष, कमियां, रिक्तियां, मतलब इनमें क्या, समस्या के अर्थ को जानने की चेष्टा करते हैं जो सृजनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं, मतलब एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है कि मतलब वो बॉलर है, बेस्ट बॉलर है, पर ये उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? विधेयात्मक प्रशिक्षण यंत्रण, निषेधात्मक प्रशिक्षण यंत्रण, शून्य प्रशिक्षण यंत्रण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे क्या कहेंगे कि शून्य प्रशिक्षण यंत्रण, मतलब वो एक चीज़ में निपुण है, क्योंकि वो बॉलर है, बैट्समैन नहीं है, तो गेंदबाजी कर सकता है, वो बैटिंग अच्छी नहीं कर सकता, तो उसमें वो कुशल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का ना होना, ऑप्शन सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या उपरोक्त में से सभी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। सो निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित कर सकता है? व्यक्ति के मेंटल जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका, वो है पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, या फिर कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, या फिर विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव कॉग्निटिव चेंजेस के बारे में कहा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक बदलाव होना जरूरी है, तभी हम विभिन्न अवस्थाओं को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन जो किया है उसके पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी के लिए किया। नेक्स्ट है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? व्यक्ति मतलब पर्सन एवं बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है, मतलब वंश से इसका क्या रिलेशन है? नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम मात्र की भूमिका है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? केवल नाम मात्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम है, या इदम एवं अहम है, मतलब जो इच्छाएं मन में रह जाती हैं उनकी पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो इसे कहेंगे इदम, मतलब ये ग्रहों के नाम है, इदम इदम कहेंगे उसे, कौन सा भंडार गृह कहेंगे? इदम भंडार गृह कहेंगे, जो मन में रह गई जो इच्छा उसकी पूर्ति नहीं हुई उसे इदम के अंतर्गत गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में,
थकान से निपटने में या फिर अजनबियों से निपटने में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में, मतलब दबाव बना हो रक्षा की जा रही हो तो रक्षा तंत्र हमारा जो है वो उससे निपटने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट है बालक प्रसंग बोध परीक्षण, तीन वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, क्या किए गए हैं, ऑप्शन ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, या ऑप्शन सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या फिर वयस्क के स्थान पर बालकों को। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को, मतलब प्रसंग बोध कि बच्चे ज्ञान कर सके समझ सके इंसान और जानवर में अंतर 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया जो इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किसे किया गया है, लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, ऑप्शन ए नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान मतलब कुछ करके सर्च करना रिसर्च करना क्रियात्मक अनुसंधान। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है कि विद्यालय तथा कक्षा की जो शैक्षिक कार्यप्रणाली है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, ऑप्शन ए शिक्षार्थी की अधिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किस लिए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है, मतलब पुरुष जो हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन किसका है, ऑप्शन ए सही हो सकता है, मतलब ये कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही है, मतलब पर्टिकुलर आप क्या कह सकते हैं इस कथन को देखकर। सो ये कथन क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पुरुष ही स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, स्त्रियाँ भी अपनी जगह बहुत बुद्धिमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ए समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंत्यक्रिया करने में, ऑप्शन बी अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, ऑप्शन सी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर को याद करने के लिए, या कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, किस लिए नहीं करना चाहिए इसमें से, कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, मतलब रचनात्मक आकलन करने के लिए कौन सा ऐसा है जो उपकरण नहीं है, रचना वाले मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, या फिर दत्त कार्य। सो क्या नहीं है इसमें रचनात्मक कार्यों के लिए, सत्र परीक्षा, क्योंकि सत्र परीक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है, रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी वाले कार्यों में हमें सत्र परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या फिर
व्यक्ति के पूरे जीवन में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, कब होता है, किस अवस्था में होता है, तो वो होता है किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसा काल है जो सबसे अधिक जटिल और गहन काल होता है, तूफान का काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, स्थिरिया, प्राथमिक। मतलब आनुवंशिकता को क्या माना जाता है, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, जो स्थिर होती है, जो परिवर्तित नहीं होती। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, मतलब प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, मतलब भाषा का जो नया अर्जित ज्ञान है, जो नया ज्ञान उसने ग्रहण किया उसके अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। मतलब प्याजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखेगा, तो सबसे पहले उससे कैसे सीखेगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। जब तक वो खुद करके नहीं सीखेगा, बच्चा किसी तरह से नहीं सीख पाता। जितना अच्छा बच्चा जब खुद प्रैक्टिकल करता है किसी चीज़ का, खुद करके सीखेगा, तो वो ज़्यादा बेटर सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन ए, मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से, मतलब पूरी तरह से, और केवल अवलोकनीय, मतलब अवलोकन करने के व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या फिर संज्ञानवादी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारवादी। मतलब पूरी तरह से अवलोकन हम कब कर लेते हैं, जब हम व्यवहार पर आधारित हो जाता है, व्यवहारिक रूप से जब हम सीखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अवलोकनीय व्यवहार। व्यवहार आ रहा है इसमें, तो हम इसे बिना उसके भी लगा सकते हैं कि आइए व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, या फिर शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या फिर अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणाएं जो होती है, कॉन्सेप्ट जो होते हैं, अवधारणाएं, वो विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या फिर संवेगात्मक विकास का। तो आप समझ ही गए होंगे किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहाँ से, मन से, मतलब मस्तिष्क से। बौद्धिक विकास का संबंध होता है किससे, अवधारणाओं के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो रहते हैं वो एक दूसरे से किस तरह भिन्न होते हैं, किस में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए, विकास की दर में, ऑप्शन बी, विकास क्रम में, ऑप्शन सी, विकास की सामान्य क्षमता, ऑप्शन डी, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, विकास की दर में, क्योंकि विकास की दर सबकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रामिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रतिवर्ती, मतलब प्रतिवर्ती मतलब जो आगे का होता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, मतलब मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, मेन पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो है इवैल्यूएशन का वो क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना है, ये निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या फिर सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना, या फिर शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना। मूल्यांकन का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए, क्योंकि हम इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, क्योंकि सीखने में जितनी कमियां होती हैं उनका निदान कैसे करें और उसका उपचार कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, कॉग्निटिव चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बाल विकास, संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है, 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 या फिर 6। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन किसका है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन किसका है। स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। सो किसका है ये कथन, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग एवं हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोसामाजिक होता है। बिग एवं हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में। मतलब परिवर्तन, सबसे ज़्यादा परिवर्तन जब बच्चे में देखने को मिलता है, बच्चे के विकास में, तो वो किशोरावस्था में देखा जाता है, क्योंकि बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ 105 है, उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा। मतलब कौन सी श्रेणी में उसे रखा जा सकता है, श्रेष्ठ बुद्धि बालक है, सामान्य से अधिक बुद्धि है, या सामान्य बुद्धि या फिर मंद बुद्धि है। सो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सामान्य बुद्धि का बालक है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कॉलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग जो है विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका, नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन, कॉलबर्ग। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। ऑप्शन है स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार या पाठ्यचर्चा का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। सो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उनको सहायता करता है। क्या, स्व अधिगम मॉडल, मतलब खुद का सीखने का मॉडल, ये खुद वो किस तरह से करके सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के एक कक्षा में कितने क्षेत्र हो सकते, क्या क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या फिर ये सभी। तो क्या हो सकते हैं इसके, ये सभी क्षेत्र हो सकते हैं। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचि, सबकी रुचि अलग अलग होती है, सीखने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, चरित्र अलग अलग होता है, तो ये सभी इसके क्षेत्र हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए, तो वो एक कौन सा है। ऑप्शन ए भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल या डी अंतर्वैयक्तिक संबंध। सो राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को छोड़कर ये सभी तीन बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना या उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, समथिंग। ये तीन ही ऑप्शन सही है कि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, क्योंकि ये भी हम मूल्यांकन में देखते हैं कि कौन सा बच्चा पास हुआ है, कौन सा बच्चा फेल हुआ है, बच्चा क्या सीखा है ये भी जानना ज़रूरी है, बच्चे के सीखने में क्या कठिनाइयाँ आई हैं उनको भी जानना है, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। प्याजे के अनुसार मतलब कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन करता है, मतलब अजीवित, बौद्धिक क्रियाएं करता है, मतलब बुद्धि से की जाने वाली क्रियाएं, और समस्याओं का समाधान किस अवस्था में करने लगता है। चार अवस्थाएं हैं ये, देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष है, या संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है। मतलब ऐसा बच्चा कब करता है, सो राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष की होती है। मतलब अमूर्त चिंतन करता है बच्चा, इसमें बौद्धिक क्रियाएं करता है और समस्याओं के समाधान भी ढूंढने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीखना स्थायी होता है, मतलब स्थाई कौन सा सीखना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बच्चों को अभी अक्सर बताते हैं ये क्वेश्चन कि बच्चे ऐसा नहीं पढ़ो, ऐसा पढ़ो। सो कौन सा सीखना स्थाई होता है, रटकर सीखना, सुनकर सीखना, समझकर सीखना
या फिर देखकर सीखना। तो आप समझ ही गए होंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझकर। हम भी बच्चों को हमेशा यही ज़्यादा गाइडेंस देते हैं कि बच्चे रटेंगे नहीं, सुनेंगे तो सही बट देखेंगे भी, लेकिन जो समझकर सीखेंगे वो उन्हें लाइफ टाइम याद रहता है, वो स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, समझकर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वे विकास की किस अवस्था में है। तो समझ गए होंगे आप कि 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वे विकास की कौन सी अवस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, युवावस्था है या बाल्यावस्था है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, किशोरावस्था है, क्योंकि ऐसी एज में ही बच्चा बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करता है, क्योंकि जो बड़े कहते हैं वो उसको समझ नहीं आता, उसे बस अपनी ही बात समझ में आती है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, तो इस तरह से वो बात बात पर झगड़ता है और अपने आप को हमेशा सही साबित करने का प्रयास करता रहता है। तो ये उसकी कौन सी अवस्था है, ऐसा हमेशा किशोरावस्था के अंतर्गत होता है। तो ये थी हमारी शॉर्ट एंड सिंपल सी 50 क्वेश्चंस की वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।